हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ नहीं होगा मम्मी, इधर संभाल के आप आगे इधर आ। अच्छा, आराम से। अच्छा, बैठो। बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। डन टन, मेरा सिलेक्शन हो गया एएसओ में। सपना पूरा हो गया ने। मैंने बोला था ना मम्मी कि तेरा बेटा एक दिन एएसओ में काम करेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। तू देखना मम्मी, 2031 आज से ठीक 10 साल के बाद तेरा बेटा एएसओ की ऑफिस में बैठकर रॉकेट लॉन्च करेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे वीडियो कॉल पे बधाई बात देंगे। अरे मम्मी, इतना क्यों रो रही है? अब मुझे भी रुलाएगी क्या? मुझे छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा ने? अरे मम्मी, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला तेरा। अभी तो जामनगर के एक दो प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद सीधा। तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे धर्म? और अगर वहाँ पे किसी गोरे के जाल में फंस गए तो? एक गधेड़ी। अरे सु बात करे छे। अरे जितेश भाई, इधर कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो? सुना है बहुत बड़ी नौकरी लग गई है तेरी। हाँ जितेश भाई, लगी ना। हाँ तो पैसे कब चुकाएगा मेरे? जितेश भाई, अभी अभी तो नौकरी लगी है, इतना जल्दी पैसे थोड़ी आएंगे। जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो ना, तो बीच में नहीं बोलते, समझे? अरे जितने से सुनो ना, बस एक महीने का टाइम दे दो, मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा। और वो जो पिछले महीने का 10,000 लिया था ना, वो तो पहले दे दूंगा मैं आपको। अच्छा, और जो 9 लाख रुपए तेरे बाप ने मेरे पिताजी से भीख मांग के लिए थे, उसका क्या क्या हुआ नहीं पता? इसके बाप ने घर खरीदने के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। वैसे चाहता तो मैं धक्के मार के बाहर भी निकाल सकता, पर तेरी विधवा माँ पे तरस आ गया। जितेश भाई, मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। लौटाने पड़ेंगे तुझे, वरना पता है ना किससे पंगा लिया तुमने। चल निकल। चलो रितिका, निकल। 14 तारीख से पहले कोई नई हरकत नहीं, जो भी करना है 14 तारीख के बाद करना। लेकिन पापा, मम्मी का बर्थडे 13 को है, तो मैं 14 के बाद आकर क्या करूंगी? क्या जन्मदिन लगा रखा है? ये जन्मदिन मनाना ये अपने देश की परंपरा नहीं है, ये सारा विदेशी मामला है। देख, 14 तारीख से पहले तू मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। खरमास का महीना चल रहा है, समझ नहीं आता। एक मिनट मम्मा। हाँ सर। नहीं सर, बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में, 4-5 घंटे में पहुंच जाऊंगा जामनगर। ठीक है सर। मुंह तो मीठा कर ले। अच्छा माँ, निकलता हूँ, चल बाय। संभल के जाना। श्याम जी, सोचिए टेक्निक कहाँ तक पहुंच गई है। अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक से पता चला है कि आपके जमीन के नीचे तेल हो सकता है। अब जैसे इथेनॉल, डीजल, पेट्रोल, अगर आप हाँ कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट आएंगे और आपके जमीन का सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा। मेरी खेती की जमीन के नीचे से तेल? जी घनश्याम जी, लेकिन उसे कन्फर्म करने के लिए हमें प्रॉपर मशीनरी मंगानी पड़ेगी। ये जो आपकी जमीन है ना, इसे सार इमेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर तेल निकला तो? फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है घनश्याम जी। आपको बस एक अग्रीमेंट साइन करना होगा और एएसओ आपकी जो जमीन है 5 सालों के लिए लीज पर ले लेगी। आपको तुरंत 50 लाख रुपए का टोकन मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगले 5 सालों में आप कितना कमा लेंगे। और अगर तेल नहीं निकला तो? अब देखिए घनश्याम जी, 5 लाख रुपए का जुआ है,
अगर मान लीजिए आपकी जमीन के नीचे से तेल नहीं भी निकला तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो आपको तुरंत रिफंड हो जाएंगे और बाकी के 5 लाख सर्विस टैक्स के लिए कटेंगे। लेकिन घनश्याम जी सोचिए, अगर मिल गया तो क्या क्या होगा? अरे ये जमीन तो आपको साल में 50,000 भी नहीं देता होगा। देखिए घनश्याम जी, अगर आप श्योर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, एएसओ आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगा। हम ये बगल वाली जमीन के ओनर जो है रामचरण जी, इनसे बात कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक। यहाँ पे हीट पैटर्न साफ समझ में आ रहे हैं। ड्रोन थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, होल्ड 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 होल्ड। सर देखिए यहाँ पे मूवमेंट है। ड्रोन 121 डिग्री एंड 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। होल्ड 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 सुमित, होल्ड। सर देखिए। सूर्या, तुम्हारे लिए भी कुछ है, लेटेस्ट कॉमिक बुक। थैंक यू दीदी। अच्छा माँ, मैं सुप्रिया से मिलकर आती हूँ। हाँ, सुप्रिया या चेतन जी दो। शैतान बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ माँ, मैं आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। क्यों? भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी रक्षा के लिए। अच्छा जी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ, जाके कॉमिक पढ़ो, ठीक है? बाय माँ। मैंने मना किया ना तुमको यहाँ आने से, संस्कार मान्यता सब कुछ भूल गई तुम। अब कल सूर्योदय पे पुराने पेड़ के पास जाके इससे पूजा करवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, पूजा करवा लेनी चाहिए। पर बेटा तुझे जाना है ना, तू जा, पर 8 बजने के पहले वापस आ जाना। बाय। पीठ पीछे ये सब कर रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? नवमी, तुम राजकोट से कब आई? मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। अच्छा हुआ आई ना, अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितने थर्ड क्लास आदमी हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम जाकर हॉस्टल में बैठ गई, इसीलिए मैं अकेला महसूस कर रहा था। अब तुम अकेले ही रहो और जो करना है ना तुम वो करो। घर वालों से बोल देना कि ये शादी टूट चुकी है। नवमी मेरी बात तो सुन, दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, समझे? बोल रहा हूं संजना, ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। देखो मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी इसे राजकोट भेज के जॉब कराने की, लेकिन इसकी जिद और तुमने बढ़ावा दिया। अब मेरे मना करने के बावजूद भी यहां चली आई। अब देखो कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। अरे कुछ सोचे समझते नहीं लड़के। क्यों आप चिंता करते हो, मैं बात करती हूँ ना उससे, बच्ची है अभी। कोई बच्ची बच्ची नहीं है। देखो इसकी शादी करा देनी चाहिए इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। हाँ।
are trying to call is out of coverage area. The number you are trying to call is out of coverage area. मदन, इसे जल्दी से पोस्ट करवा दो। अरे बेटा, इतने लेट तक काम करेगा तो सेहत खराब होगी ना तेरी। और अब खाना कहाँ से खाएगा तू? मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पे? अरे नहीं माँ, इनफैक्ट मैं ही जल्दी आऊँगा। क्यों बेटा, तेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ क्या? हाँ, काम खत्म हो गया। और अमेरिका कब निकलेगा तू? अरे वो तो हेड ऑफिस वाले बताएंगे ना, उसके बाद ही निकलूंगा। अच्छा माँ चलो, मुझे कैब बुलानी है, कल ऑफिस के बाद मैं फोन करता हूँ। सर, बॉडी के ऊपर या फिर उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके। सर, देखने से ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से वार किया है। लूट का मामला भी हो सकता है, लड़के ने फॉर्मल पहने हुए हैं, मे बी ये जॉब से आ रहा हो या फिर जॉब पे जा रहा हो। सूरज, इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, हो सकता है किसी मिसिंग कंप्लेन से मैच कर जाए। राइट सर। ये 8:15 बज गए, लड़की कहाँ रह गई, क्यों नहीं आ रही है? तुम शांत रहो जरा। सूर्या, बेटे काम करो, सुप्रिया दीदी के घर जाओ और नवमी दीदी को बुला के लाओ, बोलो पापा ने बुलाया, जाओ जल्दी और इधर उधर कहीं जाना नहीं। हाँ बेटा, जल्दी आना। हाँ पापा। कहाँ रह गई ये? 10 बजने वाले हैं। अरे नवमी, तू आ गई? सूर्या कहाँ है? सूर्या, मुझे नहीं पता। तुमको बुलाने के लिए भेजा था सुप्रिया के घर। मुझे तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गए, मेरा तो जी घबरा रहा है। चलिए ना, ढूंढते उसे। हाँ चलो। चलिए। सूर्या, सूर्या, सूर्या। अरे भाई, सूर्या को देखा कहीं? कहाँ चला गया है? सूर्या, सूर्या, सूर्या। पापा, सूर्या। पापा, मैंने सुप्रिया को कॉल किया था, सूर्या उसके घर पर गया ही नहीं था। ये सब तेरी वजह से हुआ है, बोला था गाँव भी बताना। ढूंढो उसे। अरे क्या हुआ भाई? सुनो भाई, सूर्या को देखा कहीं? हाँ, मैंने उसको 1-1.5 घंटे पहले कच्ची गली तरफ जाते हुए देखा था। वो पुराने पेड़ की तरफ तो नहीं गया? चलो सूर्या, 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 बेटा सूर्या। सूर्या, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ पापा? टाइम देखो क्या हो रहा है, देर रात हो रही है, रात को 8 बजे के बाद इस सीमा को पार करना मना है। पापा, हमारा सूर्या नहीं मिल रहा है और हम इस पेड़ से डर रहे हैं। डरना चाहिए, हम सबको डरना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाने से जिन नाराज हो जाता है। 40 साल पहले एक आदमी उस तरफ गया था रात को, आज तक नहीं लौटा। काका, ये सब सुनी सुनाई कहानियां है और कुछ नहीं। अच्छा तो जाओ, हम सब देखते हैं कब तक लौटती हो तुम। ठीक है, मैं अकेले जाकर ढूंढ कर आती हूँ सूर्या। बस हो गई तुम्हारी जिद, बोला था ना तुम हर मास के महीने में मत आना करके। देख लिया नतीजा, अब और नर्क नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो घर, चले चल घर, चल। सूर्या, चल। पापा मेरी बात तो सुन। चल तू। सर, पता लग गया, उस लड़के का नाम धर्म पटेल, जूनागढ़ से, या यशोदा नगर में एक रेंटेड फ्लैट में रहता, जहाँ उसकी लाश मिली वहाँ से बस 7 किलोमीटर दूर। उसके घर के अग्रीमेंट में उसका जूनागढ़ का एड्रेस और उसकी माँ का फोन नंबर भी है, तो उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती होगी। वाह मम्मी, क्या सब्जी बनी है? क्या वो मम्मी, इतनी उदास क्यों है तू? मुख्य बात है ना कि आज पढ़ना नीरज भाई पैसे मांगने आए थे। बस कुछ दिन और रुक जा, धीरे धीरे इन सब के पैसे चुका दूंगा, उसके बाद हम दोनों ही फ्री हो जाएंगे। फिर तू यहाँ क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल अमेरिका, वहाँ मैं ASO की ऑफिस में काम करूंगा और तू जींस टी शर्ट पहन के अमेरिका दर्शन करना। ASO, अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या जामनगर में? हाँ सर, कल रात ही धर्म का फोन आया था। काम खत्म हो गया, अगले हफ्ते तक मैं घर आ जाऊंगा।
आपके बेटे धर्म की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? इतनी भी कौन सी दुश्मनी था जो उसके साथ कोई ऐसा करेगा। मेरा बेटा ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था। गायत्री जी, हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो। उसके ऑफिस का नंबर है आपके पास? हाँ सर। किस नाम से सेव किया है आपने? धर्म ऑफिस। सर, नंबर तो आउट ऑफ नेटवर्क है। अच्छा, मैं गायत्री जी, एग्जैक्टली जामनगर में कहां पर है धर्म का ऑफिस, कुछ बता सकती हैं? नहीं पता, मैंने तो कभी पूछा नहीं। अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, उसके बाद अमेरिका जाने वाला था। लेकिन जब भी धर्म से फोन पे बात होती थी तो पीछे से मंदिर की घंटियों की आवाजें आती थी। मैंने पूछा तो उसने बोला कि बगल में कोई मंदिर है। विजेंद्र, अरे क्या दुख होके बैठा, तेरा बेटा आ गया वो पुराने पेड़ के पास। चल 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 ए, सूर्या चल जल्दी, चल 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 जल्दी, सूर्या आ गया। मेरा बच्चा, सूर्या, सूर्या, बच्चा, सूर्या, मेरा बच्चा, सूर्या, सूर्या, कहाँ है मेरा बेटा? ये है आपका बेटा, सूर्या, यही है आपका बेटा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, यही हकीकत है। 120 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे एक ब्रिजेश नाम का एक आदमी रहता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। 25 साल पहले उसका बेटा गायब हो गया था और उसी जगह इसी तरह का पत्थर उसको मिला था। उसने उस पत्थर की सालों पूजा करी। उस पूजा से खुश होकर जिन ने उसके बेटे को वापस कर दिया। ये बच्चा है? हाँ, यही आपका सूर्य है। हाँ सूर्य, ये मेरा बच्चा है, ये सूर्य है। सरपंच जी, बताए ना कौन सी पूजा की उन्होंने, क्या हम उस आदमी से मिल सकते हैं? पापा, ये सब क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आज रात को मैं यहाँ आती हूँ 8 बजे के बाद, फिर आपको यकीन होगा। उसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। चुप कर, मुझे तेरी जिंदगी में जो करना है वो कर। लेकिन ये पुराना पेड़, ये पवित्र पेड़ है, ये अगर नाराज हो गया ना तो पूरे गाँव पर आफत आ जाएगी। सरपंच जी कुछ कीजिए। मैं वहाँ के सरपंच से बात करता हूँ, वो उस आदमी को भेज देगा, सब ठीक हो जाएगा। सर, धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके ब्लड में पॉइजनस गैस के ट्रेसेस मिले। What? और उसको तो किसी धारदार चीज से स्टैब किया गया था, मतलब मामला उसके ऑफिस से शुरू हुआ। पॉसिबल है सर,
शायद उसे पहले फिजिकली वीक किया गया हो और फिर रास्ते में मौका देके उसे मार दिया गया, और जो धारदार वेपन यूज हुआ है वो शायद कोई बड़ा चाकू या फिर तलवार रहा हो। ये तो बड़ा पर्सनल मोटिव हो गया। रॉबरी सिर्फ दिखावे के लिए थी, एक मुखौटा। सर, ऑफिस का एड्रेस पता चल गया, सेक्टर 3 में एक कॉम्प्लेक्स, उसके पास में मंदिर भी है। लेट्स मूव। जय श्री कृष्णा आंटी, कैसे हैं आप? अरे रितिका, तुम भी आई हो, चलो अच्छा है दोनों एक साथ मिल गए। अच्छा आंटी, ये देखिए एग्रीमेंट के पेपर, आपके घर के ही हैं। अब आपके पास एक हफ्ता है, या तो आप एक हफ्ते में ये घर खाली कर दीजिए वरना मैं खुद करवा लूँ। दरअसल आपके पति ने ये घर अच्छा बना लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं ही ले लूँगा। तो आपके पति ने ये घर के लिए मेरे पापा से पैसे लिए थे, 9 लाख रुपए, इस घर को गिरवी रख। मुझे लगा था कि धर्म दे देगा, लेकिन अब तो धर्म का ही पत्ता कट हो गया। बड़ा दुख हुआ आंटी सुन के। पर क्या करें, वसूली का और कोई तरीका भी नहीं है ना मेरे पास, इसलिए एक हफ्ता, उसके बाद मैं दोबारा आऊँ। और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो आपको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। रितिका से पूछ लेना, ये बहुत अच्छे से जानती है। क्यों रितिका? जय श्री कृष्ण। जगह की अच्छे से तलाशी, कोई भी चीज छूटी नहीं चाहिए। सर, ये कुछ फाइल्स मिली यहाँ पर, इसमें कुछ लोगों के नंबर्स और बाकी डिटेल्स है। सर, ये एक लैपटॉप मिला है। ESO के हेड ऑफिस में कांटेक्ट करो, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल। आई थिंक इस केस में प्रोफेशनल दुश्मन का एंगल हो सकता है। सर, जो कागज हमें ASO के ऑफिस से मिले उसमें से कुछ लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रजिस्ट्री वगैरह मिले। ये कागज देखिए, इस कागज के मुताबिक धर्म की मौत से 3 दिन पहले घनश्याम चौकसी ने ASO को 10 लाख रुपए दिए। एड्रेस यहीं जामनगर का है। हाँ, लेकिन सर मैंने ASO ऑर्गेनाइजेशन में बात की, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा। वेट करने का कोई फायदा नहीं है, एक काम करो, यहाँ इंडिया में जो ASO की फर्म है उनकी डिटेल्स निकालो, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है उनसे कॉन्टेक्ट करना आसान। ओके सर। सर, 5-6 लोग आए थे और उनमें से एक मैडम भी थी। ये जो 5-6 लोग आए थे उनमें ये भी था? हाँ सर, एक ये भी था। ASO से तेल टेस्टिंग के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए उन लोगों को। तेल टेस्टिंग? हाँ सर, उन लोगों ने कहा कि 3-4 दिन में अमेरिका से रिपोर्ट आ जाएगी। ना सर कोई रिपोर्ट आई, ना कोई जानकारी, और फोन भी बंद पड़ा है उनका। चलिए, धर्म का मर्डर हो गया, उसकी लाश मिली हमें। क्या मर्डर हो गया? मेरे पैसे, मेरी जमीन का क्या होगा साहब? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब। देखिए, हम बाकी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमें पता। ठीक है सर। मैं सब इंस्पेक्टर सूरज शर्मा बोल रहा हूँ, RP नगर पुलिस स्टेशन से। ये लैंड नंबर 432 पॉकेट 34 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ सर बोलिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? इस जमीन पर ASO का कुछ काम शुरू हुआ था, ऑयल के ट्रेसेस भी मिले थे। क्या आप बता सकते हैं कि ASO ने आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया था? नहीं सर, हमसे तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया था। अच्छा, फिर भी एक बार अपने रिकॉर्ड्स में ठीक से चेक कर लीजिए, मैं दोबारा कॉल करूँगा। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि ASO ने उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं किया। अमरीका में बात हुई कि ASO ने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी को भेजा था? ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लैपटॉप में मिली फाइल्स, सब कुछ झूठ था। इतना बड़ा और संजीदगी से घड़ा हुआ प्लान, धर्म का क्या रोल हो सकता है इसमें? बिल्कुल, घनश्याम को इन्फॉर्म कर दो इस फ्रॉड के बारे में। यस सर। सर, घनश्याम के गांव के बाहर एक ATM है, उसके CCTV ग्रैब में ये दोनों कैप्चर हुए, ये देखिए। और सर, घनश्याम ने इन्हें आइडेंटिफाई भी किया है। सर, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, ये जहाँ कहीं भी होंगे उठा लिए जाएंगे। सर, सारे खिलाड़ी लग रहे हैं, मुझे लगता है हमारी पकड़ से काफी दूर जा चुका हूँ।
ये लड़की मास्टरमाइंड है या फिर मोरा? जी सर, हम अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देख लीजिए ठीक से, ओरिजिनल पेपर्स हैं। पर अमेरिका में बैठ के पता चल गया कि यहाँ लातूर में मेरे खेतों के नीचे तेल है। वो तेल का तो ऐसा है, उसे आने में एक महीना लगेगा। वो गुजरात से टेक्टोनिक फाइल का मूवमेंट हो रहा है ना। अरे आप ये टेक्निकल बातें छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सोचिए अगर तेल लग गया, रिफाइनरी खुल गई, मुरली जी आप तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सच? ठीक है सर, फिर मैं बैंक से लोन लूंगा अपने खेतों पे। एक हफ्ते में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, तो मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, है ना? ये लीजिए, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुरली जी बधाई हो, अरे आप तो अमीर बन गए, साल के 18-20 लाख तो कहीं नहीं गए। धन्यवाद साहब। थैंक यू नहीं, अब तो मिठाई बटवाइए आप। जी जरूर। सर, कल महावीर नगर रॉबरी केस की हियरिंग है। कॉन्स्टेबल बोरा को भेज दो। ओके। मंजू एक मिनट। यस सर। ये न्यूज़ देखो। इस केस के बारे में पता करो और इसकी फाइल मांगो। क्विक। ओके सर। आप लोग कौन? जूनागढ़ पुलिस स्टेशन। एएसओ वालों का फोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे पति परेशान हो गए, क्योंकि मेरे पति ने अपने सब कुछ गिरवी रख के कर्जा लिया था। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरे इंडिया में 22 केसेस हैं जहां पर तेल के नाम पर फ्रॉड हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है, कैलकुलेट किया? हाँ सर, 22 केसेस में टोटल 1.5 करोड़ का अमाउंट फ्रॉड हुआ है। और तो और सर, एक छोटी सी लीड मिली है, पता नहीं कहां तक लेके जाएगी। इन 22 शहरों में से 16 ऐसे शहर मिले जहां एक कॉमन नाम यूज हुआ। हाँ, लेकिन नाम क्या है? सर, नौमी डागा, राजकोट का एड्रेस। नौमी डागा? हाँ सर, नौमी। एक मिनट, नौमी डागा माधापुर राजकोट? हाँ सर। ये देखिए सर, आप जानते हैं इसको? हाँ, 10 साल पहले का केस है। 10 साल पहले ये लड़की मिसिंग हुई थी। इसकी फैमिली आई थी हमारे पास कंप्लेंट कराने। जब हमने इस केस की तहकीकात शुरू की, तब जाके हमें पता चला कि ये केस कितना डिफिकल्ट था। तुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? देख, पापा लाए तेरे लिए, मैं लाई। मैं भी खा बेटा, खा। ये बेटा केला खा। देखो खाएंगे ना? तो पसंद है ना? खा ले, खा ले बेटा।
गलती हो गई हमसे, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। अब जाइए, क्योंकि आपकी वजह से अगर यहाँ पर कोई बाधा आ गई ना तो ये पुराना पेड़ और जिन दोनों क्रोधित हो जाएंगे, पूरे गांव पर आफत आ जाएगी, सबको मार डालेगा। अब जाइए, गलती हो गई हमसे, वो तो मुझे पता ही नहीं था कि नवमी यहाँ आई थी, इसलिए हम आपके पास कंप्लेंट लेके आए। वो तो बाद में उसका मंगेतर चेतन मुझे मिला, उसने बोला कि नवमी यहाँ पुराने पेड़ के पास आई। ये अगर बात मुझे पहले पता होती तो आपके पास कंप्लेंट लेके आते ही नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, हम थोड़ी देर रुकते, हम बस देखेंगे, कोई बाधा नहीं आएंगी आपके काम। ठीक है सब, फिर एक बार विनती कर रहे हैं, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने पर मजबूर मत कीजिए मुझे, अब जाइए यहाँ से, जाइए। उसके बाद मेरे सीनियर ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही एक चौंका देने वाली खबर। हाँ, आपका बेटा आ गया वापस? हाँ, हमारी पूजा काम आई, हमारा सूर्य वापस आया है, पुराने पेड़ के पास मिला। हाँ बेटा, थोड़ा सा आइए, ये देखिए मेरा बेटा सूर्या। जिन बुरे नहीं होते, वो तो भक्ति के भूखे होते हैं, आप अपनी भक्ति दिखाओ और जो मर्जी मांग लो उससे। आप लोगों की तरह मेरी बेटी को भी विश्वास नहीं था जिन पर, देख लिया ना उसके साथ क्या हुआ। हेलो बेटा, बेटा आप कहाँ थे इतने दिन? एक कमरे में जिन के साथ। तो बेटा आपने सच में एक जिन देखा? हाँ, नवमी दीदी भी वहीं थी। दो साल तक हमने इस लड़की को कोंप तोड़ा, लेकिन ये मिली नहीं, ना ही हमें इसकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था और ना ही गांव वालों का। ये केस कोल्ड हो गया, उसके बाद प्रमोशन होकर मेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये नाम मुझे आज तक याद है, नवमी डागा, माधापुर राजकोट। सर, घनश्याम का केस, धर्म का मर्डर और वो जिन वाला केस, तीनों बड़े अजीब हैं। सर, क्या ये मुमकिन है कि नवमी ही अपने भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार थी, जैसा कि धर्म के केस में हुआ, वो खुद ही उस फ्रॉड गैंग से मिला हुआ था। कुछ भी पॉसिबल है, लड़की पिछले 10 साल से मिसिंग है और अब 10 साल के बाद इस लड़की का तेल के फ्रॉड केस में नाम आना, ये मेरे शक को और गहरा कर रहा है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। हाँ सर, आप याद है मुझे। सर, मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन अब समझ में आता है सब बेवकूफ़ी थी। मैं उसके बाद कई बार पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं सर। सूर्या, जिस कमरे में तुम्हें रखा गया था, उस कमरे के बारे में कुछ याद है तुम्हें? हाँ सर, उस कमरे के पास ट्रेन की आवाज़ आती थी। ट्रेन की आवाज़, मतलब वो कमरा रेलवे ट्रैक के पास होगा। और उस घर से तुम्हें गांव तक आने में कितना टाइम लगा था? मैम, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे लाया गया था और रात का समय था, तो आधा घंटा लगा होगा। आपको क्या लगता है, मेरी बहन नवमी अभी जिंदा होगी? बेटा, अब हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा सजना जी, उसी वक्त पास के गांव से एक बंदे को बुलाया गया था और उसका कहना था कि उसको भी जिन उठा कर ले गया था और पूजा पाठ के बाद उसको वापस किया गया, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप हमें? हाँ सर, वो ब्रजेश्वर मिस्त्री के बेटे थे। सूर्या जब वापस आया था तो मिलने आए थे, मेरे पास फोटो है, मैं लाती हूँ। प्लीज। नैना, मैं तो थक गया। अरे तो पापा, ऐसा करते हैं कि ये वाला करने के बाद
अगला वाला मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और अगला ना ही करे तो? मतलब गेम ओवर? लैला मेरी बेटी है लेकिन अब तक मुझे नहीं समझी। अरे कुछ बड़ा करते हैं, सीधा 50 लाख मांग लेते, फिर अमेरिका घूमने चले जाएंगे और एएसओ के ऑफिस के सामने सेल्फी खिंचाएंगे। ओके। अरे वादानिश जी, आप तो अमीर बन गए। सिर्फ 50 लाख रुपए देकर साल का 1.5 करोड़ कमाएंगे आप। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देख। अरे दानिश जी, आप तो अमीर बन गए, 50 लाख तो आएंगे ही, जमीन के 1.5 करोड़, ऊपर से तेल का 2%। क्या बात है पापा। जय अमेरिका। जय अमेरिका। जी? सर, नौमी के नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड हुआ है। कब? कल शाम को सर, लोकेशन खोपोली। बिल्कुल, पता करो उस नंबर से किससे बात हुई और टीम रेडी करो क्विक। यस सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? 50 लाख के क्या हुआ सर, कोई गड़बड़ है क्या? फ्रॉड थे ये लोग, फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ? नहीं सर, वो जेन्युइन है ये लोग। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, लोबो स्टैम्प सब दिया, लेटर भी मिला मुझे। कितनी देर हो गई पैसे दिए? आधा घंटे पहले सर। सूरज, हाईवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह अलर्ट करो, किसी भी हालत में वो शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। विपुल, यस सर। नवी के नंबर से जो नंबर एक्टिव हुआ था उसकी लाइव लोकेशन का क्या हुआ? सर थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कोई टाइम नहीं हमारे पास, टर्न फटाक से। देखिए हमें चेकआउट करना है, जल्दी से हिसाब कर दीजिए। हाय अब्बा, जल्दी नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। झीले इतमान से बात करते हैं। अरे सुनिए तो, ये क्या हो, क्या हो, क्या रहा है? मारिए मत सर। अरे मारिए सर, पापा को मत मारिए। मंजू संभाल तो अपनी भाषा। पापा की बहुत फिक्र हो रही है तुझे, बहुत फिक्र हो रही है। और जो इतने लोगों ने आत्महत्या की उसका क्या? जानते हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुम दोनों ने? नौमी कहाँ है? नौमी डागा, माधापुर राजकोट, 2012। आया कुछ याद? ये तो वही है ना जिसको चिन उठा के ले गया था, फिर तेरे बाप ने खूब पूजा पाठ की, चढ़ावा चढ़ाया, चमत्कार हुआ, तू प्रकट हो। तेरे बाप ने इस फ्रॉड में तुझे अपने साथ मिलाया और तूने अपनी बेटी को अपने साथ मिलाया नई टेक्नोलॉजी के साथ और फ्रॉड करना शुरू किया। नौमी कहाँ है बोल? कहाँ है? मत मारो मुझे, जाने दो। ब्रजेश्वर काका के बेटे हैं ना, जो गायब हो गए थे, आप करते हैं ये सब? चलो अब मैं चलता हूं। ये जो जिन वाला आइडिया है ना, ये मेरे पिताजी का है, लेकिन ये जो पुराने से पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर होकर प्रकट होना, ये जो ब्रिलियंट आइडिया है ना, वो मेरी बेटी का। मुझे पता था ये सब बकवास है, लेकिन अब मैं तुम दोनों की असलियत सबको बताऊंगी।
देख लेना। लड़की को मारना जरूरी हो गया था, बहुत तंग लगा दी थी, मार के गाड़ दिया उसको। धर्म को क्यों मारा? वो तो तुम लोगों के साथ था ना। सर धर्म को हमने हायर किया ताकि उसकी नॉलेज की वजह से हम लोग और भी रियल लगे, पर उसको शक हो गया था कि ये सब झोल है, फ्रॉड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि अमेरिका से कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ ही नहीं। उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो वो अमेरिका ASO के हेड ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर्स भेजना चाहता था, तो उसे तो मानना ज़रूरी था। हमने पहले उसे पॉइजनस गैस दे के कमज़ोर किया और फिर जैसे ही मौका मिला उसे मार डाला। लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ तुम दोनों? इस देश में ना हर इंसान बेवकूफ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डर को बेचा है, लोगों को डराओ और फिर उनसे पैसे निकलवा लो। जैसे कि गांव में हमने श्रद्धा और जिन के नाम पे लोगों को डराया, और इस झूठ को फैलाने के लिए जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती थी हम लोगों को हायर कर लेते थे। जैसे कि वो जिन, वो तो ड्रामा कंपनी से हमने हायर किया था। क्यों पापा? दोस्त था मेरा। और शहर पे हम लोगों को इस नाम पे डराते थे कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा पड़ोसी अमीर बन जाएगा। बस फिर क्या है सर, बिना सोचे समझे लोग अपने आप पैसे दे देते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन सर बहुत आसान है। डर बहुत बड़ा हथियार है सर। डर? अब तुम दोनों जहाँ जाने वाले हो ना, अब तुम दोनों से भी बड़े बड़े क्रिमिनल होंगे। पूरी जिंदगी सड़ना और डरना वहां पर दोनों बाप बेटे। सूरज, मंजू, इन दोनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। कुटा दोनों। प्रशांत और नैना को IPC की धारा 302, धर्म और नवमी के मर्डर के लिए, 463 फॉर्जरी के लिए, 415 चीटिंग के लिए और 306 आत्महत्या करने के उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों बाप बेटी इतने कॉन्फिडेंटली सिर्फ इसलिए क्राइम कर पा रहे थे क्योंकि लोग लालच और डर के आगे कुछ सोचते नहीं। कुछ भी करने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। अवसर खो देने के डर से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विश्वास को अंधविश्वास बनते देर नहीं लगती। बहुत बहुत बारीक सी रेखा होती है इन दोनों के बीच। जरूरी है सवाल पूछो। जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे ये फ्रॉड करने वाले लोग उतनी ही जल्दी घबरा जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए केस के साथ। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।